वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों में इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं आमने सामने होंगी। बड़े बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जहां समाजवादी प्रचार का जिम्मा संभालेंगी, वहीं प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन में जुट गई हैं। डिंपल जहां अनुभव और संपत्ति समेत कई मामलों में अपर्णा से कई ज्यादा आगे हैं, वहीं एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां अपर्णा का पड़ला भारी पड़ता है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सिर्फ यादव परिवार में ही अपर्णा से पहले गृह प्रवेश नहीं किया, बल्कि राजनीति के मैदान में भी डिंपल की एंट्री अपर्णा से करीब 8 साल पहले हो चुकी थी। डिंपल यादव ने 2009 में राजनीति में कदम रखा। 2009 में अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई फिरोजाबाद सीट पर डिंपल यादव ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जबकि उनकी देवरानी अपर्णा यादव ने 2017 विधानसभा चुनावों में लखनऊ कैंट असेंबली सीट से सपा के ही टिकट पर पहली बार चुनावी ताल ठोका था। मजेदार बात यह है कि जेठानी और देवरानी दोनों को ही पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। डिंपल जहां कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर से बुरी तरह हारी, तो वहीं बीजेपी की डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अपर्णा यादव को करारी शिकस्त दी थी। संपत्ति के मामले में भी जिठानी डिंपल यादव अपनी देवरानी अपर्णा से बहुत आगे हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में डिंपल ने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक डिंपल के पास करीब 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि अपर्णा यादव ने 2017 विधानसभा चुनावों में दाखिल शपथ पत्र में बताया था कि उनके नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए की चल और 12.5 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उन्नीस के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल ने कन्नौज सीट पर चुनाव लड़ा और हार गई थी। उस चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र उन्होंने दिया था, अगर उसे आधार माने तो मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू पर 14,26,000 का कर्ज है, जो कि उन्होंने एक्सिस बैंक से ले रखा है, जबकि यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा के 2017 के हलफनामे के मुताबिक उन पर 8.5 लाख रुपए का कर्ज है, जिनमें से 4 लाख रुपए व्हाइट ब्रिक्स बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के हैं। 1 लाख रुपए का कर्ज अपर्णा ने अपनी सास साधना गुप्ता से लिया है, जबकि ससुर मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी छोटी बहू को 3.5 लाख रुपयों का कर्ज दिया है। हर फील्ड में जिठानी से पीछे रहने वाली देवरानी अपर्णा यादव एक जगह पर डिंपल से आगे भी हैं, और वो जगह है खेतीबाड़ी की। डिंपल और अपर्णा ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में जो जानकारी मुहैया कराई है, उसके मुताबिक अपर्णा के नाम पर 2 खेत हैं, जबकि उनके पति प्रतीक के पास भी 2 खेत हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 45 लाख रुपए है, जबकि उनके जेठानी डिंपल यादव के पास 1 भी खेत नहीं है। डिंपल और अपर्णा में से आपकी फेवरेट कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यूपी चुनावों से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।